हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम रियल एनालिसिस के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स स्पेस वो हम इसके अंदर पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर हमने एक तो डेफिनेशन मैट्रिक्स स्पेस की और कुछ एग्जांपल हमने इसके अंदर किए। तो जो बाकी हमारे पास डेफिनेशन बचते हैं आज इस लेक्चर के अंदर हम वो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो जो इसके अंदर जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास वो सेमी मैट्रिक स्पेस की, या इसका दूसरा जो नाम है स्यूडो मैट्रिक स्पेस भी बोल देते हैं इसको। तो जो हमने मैट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन पढ़ी थी मैट्रिक स्पेस की हमारे पास पहले, उसके अंदर चार प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। तो उसी टाइप से जो सेमी मैट्रिक स्पेस के अंदर भी हमारे पास चार प्रॉपर्टीज है। तो इसके अंदर जो हमारे पास बेसिक सी रिक्वायरमेंट x हमारे पास क्या होनी चाहिए, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, ये कोई भी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। ये मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया था कि आपका जैसे r भी हो सकता है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, या q भी हो सकता है, या मान लो कोई ओपन इंटरवल इस टाइप से भी हो सकता है, या अगर मान लो सेट ऑफ फंक्शंस भी हो सकता है, फंक्शंस का सेट भी हो सकता है, या अगर कई बार सीक्वेंस भी दे देते हैं इसके अंदर, क्योंकि सीक्वेंस भी हमारे पास फंक्शन ही होता है, तो सीक्वेंस का सेट भी हो सकता है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये आपके पास अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा ये क्या आपको जरूर मिलेगा। तो ये आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। फिर हमने क्या करा, एक्स की एक्स के साथ क्या की कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्स की एक्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ से एक फंक्शन डी डिफाइन किया हमने, डी कहाँ से एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। अगर ये फंक्शन डी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे तो हम इस डी को क्या बोलेंगे, सेमी मैट्रिक। और अगर एक्स के साथ अगर पेयर बना के लिखोगे तो इसको क्या बोलोगे, सेमी मैट्रिक स्पेस। वो प्रॉपर्टी क्या है, तीन प्रॉपर्टी जिसके अंदर जो मैट्रिक की हमारे पास मैट्रिक स्पेस की वही सेम है। पहले तो हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, जीरो फॉर ऑल एक्स वाई हमारे पास कहाँ से आएंगे, एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या हमारे पास, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर x और y इक्वल होंगे देन d ऑफ एक्स वाई क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर जो हमने मैट्रिक के अंदर की उसके अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टी डिपेंड होगी इसकी, x y इक्वल हो तो d जीरो होगा आपका, d जीरो होगा तो x y क्या होगा इक्वल, इसके अंदर क्या हमारे पास x और y इक्वल हो तो d क्या होगा हमारे पास, जीरो। अगर d जीरो हो तो x और y का इक्वल होना इसके अंदर कोई जरूरी नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, सिमेट्री, d ऑफ x y किसके इक्वल टू होगा आपका, d ऑफ y x के, या तो आप इसको सिमेट्री बोलोगे या आप क्या बोलोगे, अगर इनका ऑर्डर हम चेंज कर दें दोनों पेयर्स के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है, ऑर्डर चेंज करने का इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना। और जो इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास में ट्रायंगल इनइक्वालिटी, d ऑफ x y लेस देन इक्वल टू किसे रहेगा हमारे पास, d ऑफ x z प्लस d ऑफ z y, ये जेड जो इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है x y z हमारे पास, ये कहां से आ रहे हैं सारे सारे x y z हमारे पास बिलोंग करेंगे x, दो रिलेशन लेस देन ये बोल रहे हैं। अगर z हमारा उसी लाइन के ऊपर लाई करे जब हमारे पास जिसके अंदर x और y लाई करते हैं तो इक्वालिटी ऑर्डर करेगी। अगर z हमारे पास जैसे कि ये रहे पे इसके अंदर ये हमारे पास क्या होगा x ये y, अगर z इसी लाइन के ऊपर लाई करे x से z की डिस्टेंस प्लस में z से y की डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, x से z की डिस्टेंस प्लस z से y की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, x की y से डिस्टेंस की, इक्वालिटी होल्ड करेगी। तब अगर ये z पॉइंट आपका इस लाइन पर लाई ना करेगा, मान लो z यहां पर आएगा फिर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, x की z से निकलेगी और z की किससे निकलेगी, y से। तो ये डिस्टेंस इन दोनों डिस्टेंसों का सम इस डिस्टेंस से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर ये z हमारे पास जिस लाइन के अंदर x y उसी में लाई करे तो इक्वालिटी, अगर इसमें लाई ना करे तो इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, लेस देन। तो दोनों कॉम्बिनेशन से इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल। तो ये हमारे पास सेमी मैट्रिक की डेफिनेशन है। वही प्रॉपर्टी सेमी मैट्रिक स्पेस की जस्ट किस प्रॉपर्टी को सॉल्व करोगे, सेकंड के अंदर वहां पर ये प्रॉपर्टी हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की प्रॉपर्टी, और यहां पर क्या इक्वल देन, अगर x y इक्वल हो तो d हमारे पास क्या होगा, 0। और x और y हमारे पास कहां से आएंगे, इसमें से x में से आएंगे, अगर d 0 तो x और y का इक्वल होना इसके अंदर कोई जरूरी नहीं। तो ये हमारे पास सेमी मैट्रिक की डेफिनेशन थी। इसके अंदर जो नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन वो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए सबसेट। तो सेकंड डेफिनेशन, तो जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए सबसेट। अब ये जो हमारा चैप्टर वो हमारे पास मैट्रिक स्पेस का, यानी हमें जो हमारे पास स्पेस है वो मैट्रिक स्पेस तो हमें क्यों मिलेगा ही, तो क्या किया हम इसके अंदर लाए एक्स डी बी ए मैट्रिक मैट्रिक स्पेस एंड ए बी एन
empty subset, non empty subset of x, ये x का कोई एक non empty subset भी है, and x be any point of x, ये x का कोई एक arbitrary नंबर क्या लिए इसके अंदर से पॉइंट, तो हमारे पास दो चीज होगी, एक तो हमारे पास a हो गया non empty subset x का, और एक हमारे पास क्या इसके अंदर एक arbitrary पॉइंट है इसका x का। अब हमारे पास देखो metric space कौन गिवन है, x की, इसके अंदर ये तो आपका फंक्शन जो डिस्टेंस निकाल देगा, यानी स्पेस का काम आपको कौन करेगा, x, यानी x से बाहर हम काम नहीं कर सकते, तो x ही हमारा यूनिवर्स का इसके अंदर काम करेगा। ये मान लो हमारे पास क्या होगा, x होगा, ये हमारे पास है x, तो हम x से बाहर जाकर ये काम नहीं कर सकते, इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट मान लो ये, कोई इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट a होगा हमारे पास, क्या होगा इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट, और ये एक कोई आर्बिट्री पॉइंट क्या लिया हमने x, ये इसका एक आर्बिट्री पॉइंट x। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए सबसेट। अब एक चीज देखो, अब इस पॉइंट की और इस सबसेट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, अब इस पॉइंट की ये देखो तो आप डिस्टेंस तो ये भी है, अगर मान लो यहां से कोई बंदा उठा, मान ये डिस्टेंस यहां निकाल, मान लो ये y हो गया, यहां से फिर मान लो कोई z ले ले, मान लो यहां से डिस्टेंस निकाल, यहां से कोई t ले लिया तो ये भी डिस्टेंस निकलेगी, तो यहां पर भी कोई बंदा हो तो वो भी डिस्टेंस ही निकलेगी आपकी इस साइड से। लेकिन जो हमारे पास जो फंक्शन जो सेट की और पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस डिफाइंड है वो किस तरीके से डिफाइंड है, डिनोट तो किस तरीके से करो, डिस्टेंस ऑफ ए कोमा एक्स, ये तो हमारे पास सबसेट और ये पॉइंट है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए सबसेट, तो क्या डिफाइन है, इनफिमम, क्या लोगे आप, इनफिमम डिस्टेंस को एक्स ए या ए एक्स, ए एक्स ए बिलोंग्स टू ए, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए सबसेट। तो इसके अंदर करना क्या है, देखो जो x है हमारे पास, x तो फिक्स है, ये क्या आपके पास फिक्स, ये कोई एक फिक्स पॉइंट है, ये चेंज नहीं होगा, और जो a हमारे पास ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, अगर ये नॉन एम्प्टी सबसेट है हमें ये नहीं मालूम इसे के अंदर एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, 100 पॉइंट है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट। अब हमारा टारगेट क्या है, तो जस्ट इतना करना कि इस पॉइंट की और इस सबसेट के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो इसके लिए आपने क्या करना, इस पॉइंट की x की यहां पे a के प्रत्येक पॉइंट के साथ क्या निकालोगे आप, डिस्टेंस प्रत्येक पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकाल दो। अगर मान लो इसके अंदर 100 पॉइंट हो आपके पास, कितने पॉइंट है 100, तो x की सभी के साथ एक एक करके डिस्टेंस निकालो, तो कितने बार डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको 100 बार, और उन 100 बार जो डिस्टेंस निकाले उनका आपने क्या लेना है, इनफिमम। अब इसके अंदर पांच ही पॉइंट है x a के अंदर, तो इस x की पांचों के साथ क्या निकालो, डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने का मतलब पांच नंबर आएंगे उस सेट की, जो क्या हुआ सेट की फॉर्म में देखो उस सेट का जो इनफिमम होगा वही हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए सबसे। तो जस्ट अगर वैसे अगर जनरल हम देखें तो जो पॉइंट इसकी इधर इधर की साइड में जितना नजदीक होगा वही क्या होगा इसकी डिस्टेंस। अगर मान लो एग्जांपल हम ले इसके अंदर मीट्रिक, आप यूजुअल ले लो यूजुअल मीट्रिक, यूजुअल मीट्रिक ले लो, तो यूजुअल मीट्रिक क्या हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल्स, ये होगा। अब मान लो एग्जांपल के लिए मान लो ए की जगह पर एक्स की जगह मान ले लिया आर, ए की जगह पर आप ले लो वन, वन से टू का क्लोज इंटरवल अभी ले लो। अगर मैं एक्स को एक मिनट ये ले लूँ फाइव बाय थ्री, एक्स को मैं कह लूँ फाइव बाय, ठीक है, मुझे इस पॉइंट की और इस सेट के बीच की डिस्टेंस निकालनी, क्या करना चाहिए, इस पॉइंट की और इस सेट के बीच की डिस्टेंस। तो अब एक चीज ये फाइव बाय थ्री आपके पास, फाइव बाय तो थ्री है, अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो पहले किस पे चलेगा आपका वन पे, तो 1.6 समथिंग आएगा, क्या वो 1.6 है समथिंग। अब ये तो नंबर है आपका, अब आपने क्या निकाला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए सबसेट, तो इस एक्स की इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या निकालोगे, डिस्टेंस, और फिर उन डिस्टेंस का जो सेट बनेगा उसका क्या लेना है, तो भाई ये देखो तो 1.6 है, क्या इस सेट में आपको मिलेगा 1.6, इस सेट के अंदर हमें मिलेगा, तो यानी एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब मैं 1.6 इसे डिस्टेंस निकालूंगा 1.6 से, और 1.6 की 1.6 से निकालूंगा तो क्या है, ये डिस्टेंस जीरो, खुद ही खुद से आगे जीरो, तो और डिस्टेंस आपका नेगेटिव हो ही सकती, तो यानी एक पॉइंट क्या मिलेगा मुझे 1.6 की इसे निकालूंगा 1.6 से, तो क्या है ये डिस्टेंस जीरो, यानी जब एक जब आप डिस्टेंस का जो सेट है वो एक नंबर उसके अंदर आपका क्या होगा जीरो, और जीरो से छोटा हो नहीं सकता कोई, इनफिमम भी आपका क्या होगा जीरो। तो इस केस के अंदर आपका डिस्टेंस ऑफ ए और 5 बाय 3 कितना होगा आपके पास, जीरो होगा।
अब अगर मान लो इसकी जगह पर आप चेंज कर दो x की जगह पर अगर मैं 5/2 ले लूं, क्या ले लें इसके अंदर 5/2। अब अगर आप 5/2 देखो तो वो इसके अंदर आपका बिलोंग नहीं करेगा, 5/2 इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो अब आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकाल के देखोगे तो सबके साथ क्या आएगी, जो सबसे कम आएगी, तो सबसे कम किस बंदे के साथ डिस्टेंस आएगी, अगर ये ओपन होता नहीं क्यों आप, तो इसके सेट का एलिमेंट आ जाएगा, तो क्या डिस्टेंस हो गया आपके पास ए और 5/2। तो क्या निकालनी पड़ेगी, मैंने डिस्टेंस क्या हो मोड 5/2 - 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। अगर यहाँ पर अब तो आप एक करोड़ है, अगर मैं ओपन कर दूँ इसके अंदर, क्या कर दूँ यहाँ पर ओपन इंटरवल कर दूँ, फिर भी ये डिस्टेंस कितना रहेगा इसके अंदर, क्योंकि फिल्म आएगा आपके पास, फिर भी कितना रहेगा ये 1/2। ओपन और क्लोज का इसके अंदर कोई फर्क नहीं। तो ये हमारे पास तो डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए सबसेट। तो इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन वो है डायमीटर ऑफ ए सबसेट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे इसके अंदर डायमीटर ऑफ ए सबसेट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो डायमीटर ऑफ ए सबसेट, तो इसके अंदर भी वही हमारे पास क्या है, लेट एक्स बी बी ए म्यूट्रिक स्पेस, ये हमारे पास कोई एक म्यूट्रिक स्पेस है, और ए हमने क्या लिया कोई एक्स का एक नॉन एम्प्टी सबसेट, ये कोई किसका नॉन एम्प्टी सबसेट। अब जो हमें क्या निकाला डायमीटर, ये सबसेट होगा हमारे पास, तो डायमीटर ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो जो सबसे पहले हमारे पास नोटेशन, अब नोटेशन क्या दोगे डायमीटर ऑफ ए सबसेट, तो इसके लिए आप डेल्टा ए लिखोगे, क्या लिखोगे डेल्टा ए, यानी इसका मतलब क्या डायमीटर ऑफ ए। अब ये डिफाइन कैसे, तो जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक्स हो गया, एक्स बार हमने काम करना, ये हमारे पास ए हो, इसका कोई सबसे। अब इसके अंदर आपने क्या करना, ए के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, मान लो ये कुछ पॉइंट पड़े इसके अंदर, एक मिनट के लिए यही पड़े, वैसे इसके अंदर डिफाइन कितने पॉइंट भी हो सकते हैं कुछ मालूम है। अब आपने क्या करना, जैसे ये एक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पॉइंट है, इस एक्स की मैं सभी के साथ क्या निकालूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा, क्योंकि भाई एक्स की सभी के साथ निकलेगी, फिर मैं क्या करूँगा इसकी भी सभी के साथ निकालूंगा, फिर तीसरे पॉइंट की भी सभी के साथ, क्योंकि एक एक उठाकर सभी के साथ क्या निकालोगे डिस्टेंस, और वो जो डिस्टेंस आएगी आप एक अलग से सेट बनाओ उसके अंदर वो डिस्टेंस लिखते हुए चलोगे, और उस सेट का फिर आपने क्या लेना सुप्रीम, क्या लोग उस सेट का सुप्रीम, और वो जो सुप्रीमम होगा आपके पास वही क्या होगा इसके अंदर डायमीटर। या फिर आप क्या बोलो, जो ए है आपके पास एक एक पॉइंट्स की आप पेयर बनाओ, एक एक पॉइंट्स की क्या बनाओ पेयर, और उन पेयर्स की क्या निकालो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का क्या लोगे सुप्रीमम, तो वो भी आपके पास क्या कराएगा डायमीटर ऑफ ए। अब आप इसको लिखो क्या सुप्रीमम, किसका सुप्रीमम आपके पास डिस्टेंस ओ ए कोमा बी, ए और बी आपके पास कहाँ से बिलोंग करेंगे ए के अंदर से, ये तो ए और बी के अंदर से मैं पॉइंट उठाता रहूँगा दो दो करके, आप कोई से पॉइंट तो इस टाइप से सारे पॉइंट इसके कवर हो जाएंगे, तो दो दो पेयर या पेयर बोलता है पेयर टाइप इसके पॉइंट उठाओ और उनकी क्या निकालोगे डिस्टेंस, उन डिस्टेंस को एक सेट में लिखोगे तो एक सेट हो गया, और उस सेट का आप क्या लोगे सुप्रीम, तो वो तो सुप्रीम आप निकालोगे वही इसी क्या कराएगी आपके पास डायमीटर। अगर आप एग्जाम्पल इसके अंदर वही जो आप नॉर्मली यूजुअल मेथड यूज कर लो इसके अंदर भी, तो आपके पास यूजुअल मेथड क्या डी ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई का एक्स की जगह पे हो गया पार, और ए मान लो मैंने 1 से 2 का एक ओपन इंटरवल लिया, क्या लिया 1 से 2 का एक ओपन इंटरवल, 1 से 2 का एक ओपन इंटरवल, तो हमने इसका क्या निकाला डायमीटर। तो 1 से 2 का अगर ओपन इंटरवल है और इसका आपने क्या निकाला डायमीटर। अब डायमीटर निकालना है तो आपने क्या करना, इसके दो पॉइंट में क्या करना डिस्टेंस आपने निकालना, तो पेयर में लेने और उनकी डिस्टेंस का आपने क्या लेना सुप्रीमम। अब एक मिनट देखो इसके अंदर, अगर आप सुप्रीमम लोगे इसके बीच के डिस्टेंस का, तो क्या सुप्रीमम होगा आपके पास 2 - 1, यानी क्या आएगा उसका सुप्रीमम 1। तो अब ये देखोगे आप इसके अंदर कि 2 आपको 2 और 1 में इसके अंदर मेरा लाइन निकल गया 2 और 1 लाइन, तो 2 से पहले और इसके अंदर 1 के बाद वाला, तो वो जो नंबर उनको आप डिफरेंस करके अगर देखोगे फिर जो भी आपका नंबर है, तो जो आपके पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है वो किसको अप्रोच करेगा आपके पास 1 की तरफ अप्रोच करेंगे, इसके लिए इसका सुप्रीमम कितना हो जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या होगा डिस्टेंस डायमीटर ऑफ ए सबसेट। तो इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, बस इसके पॉइंट्स की डिस्टेंस का क्या लेना आपने सुप्रीमम, तो वही आपके पास क्या होगा डायमीटर ऑफ ए सबसेट। अगर कोई भी बात इसके अंदर आपको समझ में आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हो।